उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में बीजेपी नेता कृष्ण बहादुर सिंह के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज गजरौला ब्लॉक प्रमुख के पति भाजपा नेता वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य पवनीत दिवाकर के साथ मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अमरोहा के डीएम को बताया कि उनके साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव तखतपुर निवासी कृष्ण बहादुर सिंह के घर पर बिजली चेकिंग करने वालों की टीम ने उनके साथ अभद्रता की और उनको अपशब्द कहे। इस पूरे मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। हमारे नौगावा मंडल के मंडल महामंत्री कृष्ण बहादुर जी हैं, इनका गांव तखतपुर है और इनके घर का भी घर के पास में ट्वेल है, ट्वेल का भी इनका कनेक्शन है और घर की बिजली का भी इनका कनेक्शन है। इनकी छत पर कोई केबल पड़ा हुआ था और वहां पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा और विजिलेंस की टीम ने छापा मारने के बाद हमारे वहाँ के जिला पंचायत सदस्य पवनीत दिवाकर जी हैं, इन्होंने फ़ोन करा विजिलेंस वालों को कि भाई आप इस तरीके से गलत तरीके से क्यों इन पर पेनल्टी डाल रहे हैं। तो उन्होंने उसके बदले में और बहुत ज़्यादा मतलब 2,59,000 रुपए की पेनल्टी हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता पर डाली है। उसी का संज्ञान लेते हुए हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। कल हमारे मंडल महामंत्री कृष्ण बहादुर जी ने हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी को इन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया था और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप जाइए शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कीजिए और अगर समस्या का निराकरण जिले स्तर से होता है तो ठीक है, नहीं तो लखनऊ स्तर से इसकी शिकायत भी की जाएगी और जो अधिकारी हैं जो इस तरह की गड़बड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी हमारे पवनीत दिवाकर जी बता रहे थे कि कई गाँवों में विजिलेंस टीम का ये रवैया है कि वो लोग जाते हैं और वो छापे मारते हैं और छापा मारने के बाद वो एक अपना नंबर दे के आते हैं। गौरतलब है कि डीएम ने पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की बात कही है।